नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लखनऊ प्रॉपर्टी हब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लखनऊ प्रॉपर्टी हब पे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज एक नया नोटिफिकेशन मिल सके, एक नया रोज अपडेट मिल सके। तो आज की जो प्रॉपर्टी है, जो हम आपके लिए नए मकान आपके लिए जो लेके आए हैं, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन आपके लिए लेके आए हैं। और लोकेशन की बात करते हैं तो जानकीपुरम विस्तार आपका आता है और जानकीपुरम एक्सटेंशन आता है, जो कि अगर फीतापुर रोड से देखेंगे इस प्रोजेक्ट की दूरी। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है रॉयल सिटी के नाम से प्रोजेक्ट हमारा है और लगभग यहाँ पे जो हमारे पास मकान है वो 9 मकान है। जो तो ये जो हमारी 9 मकानों की गेटेड कॉलोनी है, तो बहुत ही सुंदर मकान हमारे पास है। और ये जो मकानों का फेस आप देख रहे हैं, तो हमारा जो फेस मकानों का है जो पश्चिम फेस के मकान है, और इन मकानों का आप एलिवेशन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर मकानों का एलिवेशन दिया गया है। और बात की जाए इसकी लोकेशन की, तो ये जो मकान हमारे हैं ये APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो जानकीपुरम विस्तार में आपकी आती है, वहाँ से इस जो प्रोजेक्ट की दूरी है रॉयल सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी जो दूरी है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। और अगर सीतापुर रोड से देखेंगे तो लगभग ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। अगर आप कुर्सी रोड से देख रहे हैं तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। और जो आपका लिंक रोड आया है APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से, उस रोड से जो मेन रोड हमारा है उस रोड से इस प्रोजेक्ट की दूरी जो 100 मीटर पड़ती है। बात करते हैं इन मकानों की साइजेस की, तो इन मकानों का जो साइजेस है हमारा 900 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है और कवर्ड जो आपका है वो 1000 स्क्वायर फीट 2BHK का मकान है। इसमें 2 बेडरूम आपको मिल जाते हैं, 2 बाथरूम मिल जाते हैं, कार पोर्च मिल जाता है, ड्राइंग हॉल मिल जाता है, और जो किचन हम आपको दे रहे हैं वो मॉडुलर दे रहे हैं। और इसके बाद चल के हम दिखाते हैं इन मकानों के अंदर जो अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इन मकानों के अंदर, किस तरह के डिज़ाइन किया गया, वो सारी चीज़ें आप बारीकी से देखेंगे, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं, विजिट कराते हैं हम अपने 900 स्क्वायर फीट मकान की। तो अभी हम खड़े हैं पोर्च एरिया पे अपने, तो हमारा जो पोर्च एरिया का साइज़ अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड साइज़ का आपको पोर्च एरिया दिया जा रहा है। इसकी जो चौड़ान है वो लगभग 9 फीट आ जाती है और इसकी जो डेप्थ आप देखेंगे तो लगभग आपकी ये 15 फीट प्लस में आपकी डेप्थ आ जाती है, तो बड़ी से बड़ी आपकी कार पार्क हो जाएगी। और कार पार्क में कोई आपको कोई इशू नहीं, क्योंकि आप बाहर की तरफ देखेंगे तो ये सिंगल साइडेड रोड मकान है, एक तरफ आपके मकान है दूसरी तरफ आपकी बाउंड्री वॉल आ जाती है, तो ये सिंगल साइडेड है, आप सामने तरफ भी अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और रोड जो आपको दिया जा रहा है 22 फीट का चौड़ा रोड आपको RCC रोड मिल जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम पोर्च एरिया पे आपको लेके चलते हैं मकान के अंदर की ओर। तो अभी पोर्च एरिया में अगर आप देखेंगे बाहर की तरफ आपको MCD पॉइंट बाहर ही मिल जाएगा, सॉरी इन्वर्टर पॉइंट बाहर ही मिल जाएगा, और आपको MCD पॉइंट इस तरफ मिल जा रहा है। स्विचेस जो भी दिए जा रहे हैं सारे मॉडुलर आपको स्विचेस मिल जाएंगे, अच्छी कंपनी के आप स्विचेस मिल जा रहे हैं, स्विचेस मिल जा रहे हैं। इसमें 2 एंट्रियां आपको मिल जा रही, एक आपकी तो ये मेन एंट्री हो जाती है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, एक आपकी गेस्ट एंट्री इस तरफ आ जा रही है। जीने की तरफ अगर आप देखेंगे तो जीना हमारा जो दिया था 3 फीट का चौड़ा जीना है, जिसमें SS की रेलिंग आपको मिल जाएगी। जीने पे आपको मार्बल लगा के दिया जा रहा है, जो कि एक बेहद अच्छी क्वालिटी का आपको जीने पे मार्बल मिल जा रहा है। अब चल के लेके चलते हैं आपको अंदर की ओर। तो हमने जो एंट्री की है वो गेस्ट एंट्री पे एंट्री की है, तो आप दरवाजे भी देख सकते हैं, वुडन के दरवाजे सारे अच्छी क्वालिटी के आपको दरवाजे दिए जा रहे हैं, लॉक जो लगा के दी जा रही है वो भी एक अच्छी क्वालिटी का आपको लॉक इसमें मिल जा रहा है। और विंडो की बात की जाए, जो हमारे ड्राइंग हॉल में विंडो आता है, सबसे पहले आप अपने ड्राइंग हॉल में खड़े हुए विंडो की बात की जाए तो बड़ा सा आपको विंडो देखने को मिल जा रहा है, ताकि ये क्या प्रॉपर वेंटिलेशन और अच्छा है आपका वेंटिलेशन यहाँ पे बना रहे, उसमें विंडो बहुत बड़ा आपको विंडो मिल जा रहा है। हम ड्राइंग हॉल में है तो ड्राइंग हॉल में भी सारी चीजें आपको बढ़िया अच्छे ढंग से सजा के दी जा रही है। इस तरफ अगर वॉल पे देखेंगे तो पूरा टीवी कैबिनेट का पॉइंट आपको मिल जा रहा है, जो कि एक मॉडर्न मकान में होता है, मॉडर्न डिजाइन करके आपको दिया जा रहा है मकान। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो पूरी फॉल सीलिंग आपको ड्राइंग हॉल में मिल जा रही है। अगर फॉल सीलिंग की बात की जाए तो हमारे पूरे मकान में आपको फॉल सीलिंग दी जा रही है, सारी आपको लाइट्स लगा के दी जा रही है, सारी कंसील लाइट्स आपको मिल जा रही है। ड्राइंग हॉल की बात अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको जो पोर्शन आता है डाइनिंग एरिया आपका पोर्शन मिल जाता है, लॉबी का पोर्शन आपको मिल जाता है, इसमें भी आपकी फॉल सीलिंग पूरी आपको करके दी जा रही है। अभी क्या पोर्चे हमारे मकान में फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि अभी कलर बाकी है, कुछ और भी कार्य इसमें जो काम और बचे बाकी, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आपको अंदाजा इस मकान में लग जाएगा किस तरीके से हम आपको मकान बना के एंडोज कर रहे हैं। जस्ट अगर पीछे हमारे आप देखेंगे डाइनिंग एरिया जस्ट सामने से आपको पीछे मिल जा रहा है,
जो कि हम आपको मॉड्यूलर किचन मिल रहे, सारे पुलाव आपको किचन में मिल जा रहे हैं, ऊपर लगभग आपको चार बॉक्सेस मिल जा रहे हैं जो कि अच्छी लकड़ी के द्वारा सजाए गए, सारी चीजें बहुत ही अच्छी है। और इस तरफ आप देखेंगे तो आपके प्लाउट्स आपको अच्छी कंपनी के मिल जाएंगे, किचन पूरा मॉड्यूलर है सारी चीजें। उसके बाद लेके चलते हैं हम आपको बेडरूम की तरफ। तो ये पहला बेडरूम हमारा आता है जो अटैच वॉशरूम के साथ में आता है। तो ये बड़ा सा बेडरूम भी आपको इस मकान में मिल जा रहा है। इस मकान में क्या, ये दो बेडरूम, दो बाथरूम, ड्राइंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, पोर्च एरिया, प्लस इस बेडरूम आप देखेंगे ऊपर तक आपको वॉशरूम पूरी मिल जा रही है और इसी में अटैच वॉशरूम भी आपको मिल जा रहा है। और इस अटैच वॉशरूम को जो आपको दिया जा रहा है वेस्टर्न आपको बाथरूम दिया जा रहा है जो अटैच आपका बेडरूम के साथ में रहेगा। और इसी बेडरूम के साथ में आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे पीछे वाली वॉल पे तो पूरा का पूरा आपको एक वार्डरोब मिल जा रहा है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छी वुडन का आपको बना के दिया जा रहा है क्योंकि एक अच्छा स्पेस आपको मिल जा रहा है। अगर आपको अलमीरा की जरूरत है आपके बेडरूम में तो सारी चीजें आपको इस बेडरूम में मिल जाएंगी। तो छोटी छोटी चीजें जो रहती है मकान में उन चीजों का ध्यान रखते हुए हमने सारी चीजें फुलफिल की है मकानों में। उसके बाद चलते हैं हम आपको दूसरे बेडरूम की तरफ लेके। और इससे पहले क्या, इस बेडरूम से अटैच आपको एक ओटीएस भी मिल जा रहा है। ओटीएस भी साइज लगभग आपका 5x5 6x6 5 के करीब आ जाएगा। ये ओटीएस का मतलब ये है कि हम आपको प्रॉपर वेंटिलेशन दोनों बेडरूम में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको विंडो दरवाजा मिल जा रही है और दूसरे बेडरूम के लिए भी इसमें एक विंडो आपको दी जा रही है। तो ताकि क्या कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपके मकानों में, आपके बेडरूम में बना रहेगा। बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कॉमन बाथरूम है उसका साइज काफी बड़ा साइज दिया गया है, लगभग 7x6 के करीब आपका ये कॉमन वॉशरूम आ जा रहा है जो कि इंडियन वॉशरूम है। तो और बाकी इसमें अगर सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए तो किस कंपनी के सैनिटरी फिटिंग दे रहे हैं, बाकी इन मकानों में जो भी हम जितनी भी सैनिटरी फिटिंग के साथ आपको बता रहे हैं नैरो लेग या बंजर का पेंट रहेगा, शेड आप चूज कर सकते हैं, एक वॉल हाइलाइटर लेगी, ड्राइंग रूम की जो एक वॉल है टीवी के सामने वाली उस पे चाहे टेक्सचर पेंट लीजिए या वॉलपेपर, फॉल सीलिंग पूरी कस्टमाइज्ड रहेगी, मॉडर्न किचन की जो पेंट है, वार्डरोब का जो कलर है, सब कुछ आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। पेंट हम आपको लगा के देंगे वो सारे आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, कस्टमाइज पेंट हो जाएंगे, फॉल सीलिंग का पेंट है, आपका किचन का पेंट है और आपके वार्डरोब का फरमाइका है, ये अगर आप चाहेंगे तो हम आपके अकॉर्डिंग लगा के दे देंगे। बात अगर ड्राइंग वॉल की जाए तो इसपे आपका अगर एक वॉल पे जो टीवी कैबिनेट के सामने वाला वॉल आता है उसपे हम आपको टेक्सचर पेंट दे सकते हैं या फिर अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी आप पेंट लगाना चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से चारों तरफ का माहौल क्या है, किस तरह की बसावट है, यहाँ का एटमॉस्फेयर किस तरीके का, वो आपको हम चल के दिखा रहे हैं छत के ऊपर। आइए चलते हैं, तुम्हें दिख रहा है जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा ये मकान है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो AKTU के पास में है, APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो कि आपकी जानकीपुरम विस्तार लखनऊ में आती है। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं उसका गुम्बद यहाँ से आपको दिख जा रहा होगा, तो ये हमारी APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है। यहाँ से हमारे जो प्रोजेक्ट की दूरी है वो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है और ये जानकीपुरम विस्तार है। और अंत में बात कर लेते हैं, और जो आप रोड देख रहे हैं सामने की तरफ आपको ये रोड, ये जो आपको 2 मंजिला मकान दिख रहा है जस्ट पीछे हमारा रोड आ जा रहा था, मेन रोड से प्रोजेक्ट की दूरी 100 मीटर पड़ती है। और चारों तरफ आप बसावट देख सकते हैं कितनी घनी बसावट है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी एमिनिटीज अवेलेबल हैं, कमर्शियल की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जा रही। अंत में बात कर लेते हैं इन मकानों के रेट की। तो प्लॉट का जो साइज हमारा था वो 900 स्क्वायर फीट था, कवर्ड जो था 1000 स्क्वायर फीट। और अंत में बात करते हैं इन मकानों का जो हमारा रेट है, वो जो रेट आपका है वो 37 लाख रुपये इन मकानों का रेट रखा गया है। तो मेरे हिसाब से इस एरिया में जानकीपुरम एक्सटेंशन में APJ अब्दुल कलाम के पास में आपको इस बजट में मकान तो नहीं अवेलेबल होगा। और अगर बात की जाए यहाँ के विजिट के लिए तो आप दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी विजिट कर सकते हैं। और जो हमारे पास साइजेस हैं वो मैंने पहले एक बार बताया था कि जो प्लॉट एरिया हमारा 900 स्क्वायर फीट है, कवर्ड 1000, 2 BHK का मकान है, 2 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, ड्राइंग हॉल के साथ मॉड्यूलर किचन आपको दिया जा रहा है, प्लस आपको वार्डरूम मिल जा रहा है,
और टीवी कैबिनेट मिल जा रहा है, और ये पश्चिम फेस के मकान है जो कि गेटेड कॉलोनी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो अब अंत में विदा आपसे लेना चाहता हूँ। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, इनको मकान की ज़रूरत है। धन्यवाद।